हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 के लिए केमिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर औद्योगिक रसायन यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का पार्ट थर्ड लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इसके दो पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिले सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट टू में हमने क्वेश्चन नंबर 37 तक सॉल्व कर लिया था, आज हमें क्वेश्चन नंबर 38 से देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमसे पूछा है कि प्राकृतिक रेशा है। क्या पूछा फ्रेंड्स? हमसे पूछा है कि प्राकृतिक रेशा है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए दिया हुआ है लिनन, ऑप्शन बी दिया हुआ है रेयन, ऑप्शन सी दिया हुआ है ऊन और ऑप्शन डी दिया हुआ है रेशम। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी रेशम। ठीक है फ्रेंड्स, प्राकृतिक रेशा कौन सा है हमारा? इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो रेशम होता है हमारा फ्रेंड्स, ये हमारा प्राकृतिक रेशा होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि सल्फा पायरिडीन औषधि का प्रयोग किया जाता है। क्या पूछा फ्रेंड्स? सल्फा पायरिडीन औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए दिया हुआ है निमोनिया में, ऑप्शन बी दिया हुआ है घाव धोने में, ऑप्शन सी दिया हुआ है शरीर का दर्द कम करने में और ऑप्शन डी दिया हुआ है अतिसार में। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी निमोनिया में। ठीक है फ्रेंड्स, सल्फा पायरिडीन औषधि का प्रयोग किस रोग में किया जाता है फ्रेंड्स? तो ये हमारा किया जाता है निमोनिया में। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से पैराफिन मोम निम्न में से किस ताप पर प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से पैराफिन मोम निम्न में से किस ताप पर प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए दिया हुआ है 460 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी दिया हुआ है 450 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी दिया हुआ है 470 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी दिया हुआ है 480 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 450 डिग्री सेल्सियस। ठीक है फ्रेंड्स, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से पैराफिन मोम 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हजामत बनाने वाले साबुन से उत्पन्न झाग को सुखाने के लिए निम्न पदार्थ को प्रयुक्त किया जाता है। क्या लिखा है फ्रेंड्स? हजामत बनाने वाले साबुन से उत्पन्न झाग को सुखाने के लिए निम्न पदार्थ को प्रयुक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए दिया हुआ है एथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी दिया हुआ है ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी दिया हुआ है मेथिल अल्कोहल और ऑप्शन डी दिया हुआ है थायोकॉल। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। और रही बात एथिल अल्कोहल की, तो ये तो यूज़ ही नहीं हो सकता है और मेथिल अल्कोहल यूज़ ही नहीं हो सकता है और थायोकॉल का यूज़ तो होता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन को देख ही समझ जाएंगे इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी ग्लिसरॉल का यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए दिया हुआ है एपिडिकम्ल, ऑप्शन बी दिया हुआ है एसिटिकम्ल, ऑप्शन सी दिया हुआ है एथिलीन और ऑप्शन डी दिया हुआ है ब्यूटाडाइन। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एपिडिकम्ल। किसका यूज़ किया जाता है नायलॉन बनाने में? किसका यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स? ये हमारा यूज़ होता है एपिडिकम्ल का। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, जो ये क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आपसे इस बार पूछ लिया जाए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमसे पूछा है कि कृत्रिम साबुन है। क्या पूछा है? कृत्रिम साबुन है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए दिया हुआ सोडियम स्टीयरेट, ऑप्शन बी दिया हुआ लॉरिल सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी दिया हुआ सोडियम लॉरिल सल्फेट और ऑप्शन डी दिया हुआ लॉरिल अल्कोहल। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सोडियम लॉरिल सल्फेट। तो फ्रेंड्स, हमारा कृत्रिम साबुन कौन सा होता है फ्रेंड्स? ये हमारा होता है सोडियम लॉरिल सल्फेट। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सोडियम लॉरिल सल्फेट। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आपसे इस बार ये पूछ लिया जाए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि चेहरे के लिए प्रयोग में होने वाली क्रीमों में बेंजोइक अम्ल कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से पूछा है कि चेहरे के लिए प्रयोग होने वाली क्रीमों में बेंजोइक अम्ल कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए दिया है क्रीम को मृदु बनाने में, ऑप्शन बी दिया है जीवाणु नाशी के रूप में, ऑप्शन सी दिया दुर्गंध दूर करने के लिए और ऑप्शन डी दिया है चेहरे पर चमक लाने हेतु।
तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जीवाणुनाशक के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी जीवाणुनाशक के रूप में। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप हमसे पूछा था कि चेहरे के लिए प्रयोग होने वाली क्रीमों में बेंजोइक अम्ल क्या कर अम्ल कार्य क्या करता है, तो फ्रेंड्स ये जीवाणुनाशी के रूप में कार्य करता है। और रही बात क्रीम को मृदु बनाने में, तो ये हो नहीं सकता, और दुर्गंध दूर करने के, ये भी हमारा साइंटिफिक रीजन नहीं है। और ऑप्शन डी दिया है चेहरे पर चमक लाने हेतु, तो फ्रेंड्स ये भी हमारा कोई साइंटिफिक रीजन तो है नहीं कि इस पर हम टिक कर दें। फ्रेंड्स केवल हमारा ऑप्शन बी इसमें है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी जीवाणुनाशी के रूप में होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि बूट पॉलिश तैयार करने के लिए कार्नोबा मोम प्रयोग किया जाता है, बूट पॉलिश तैयार करने के लिए कार्नोबा मोम प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया पॉलिश में कठोरता लाने में सहायता प्रदान करने हेतु, ऑप्शन बी दिया बूट पर अनुप्रयोग उपरांत पॉलिश सुखाने में सहायता प्रदान करने में, ऑप्शन सी दिया पॉलिश को नर्म करने के लिए, और ऑप्शन डी दिया हुआ है बूट पॉलिश में चमक लाने के लिए। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बूट पॉलिश में चमक लाने के लिए। तो फ्रेंड्स बूट पॉलिश तैयार करने के लिए कार्नोबा मोम का प्रयोग क्यों किया जाता है, फ्रेंड्स कार्नोबा मोम के प्रयोग से बूट पॉलिश में चमक लाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि बूट पॉलिश बनाने में प्रयोग किया जाने वाला तेल है, क्या पूछा है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये हमारा कि बूट पॉलिश बनाने में प्रयोग किया जाने वाला तेल है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ तारपीन का तेल, ऑप्शन बी दिया हुआ खनिज तेल, ऑप्शन सी दिया हुआ वनस्पति तेल, और ऑप्शन डी दिया हुआ वेल मछली का तेल। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी तारपीन के तेल का यूज होता है। किसका यूज होता है फ्रेंड्स, तारपीन के तेल का। और रही बात खनिज तेल की, तो खनिज तेल का यूज हो ही नहीं सकता है, वनस्पति तेल ये भी नहीं हो सकता है, और वेल मछली का तेल ये भी हमारा हो नहीं सकता। तो फ्रेंड जहाँ कहीं भी आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ मिले, आपसे पूछे कि बूट पॉलिश में बनाने में प्रयोग किया जाने तेल कौन सा, फ्रेंड्स ये हमारा होता है तारपीन का तेल होता है। फ्रेंड्स आप इसको एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि वैसलीन में जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग तो होता है, तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे पूछा है कि वैसलीन में जीवाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त तो होता है। तो ऑप्शन ए दिया है कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन बी दिया है जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन सी दिया है सिल्वर ऑक्साइड, और ऑप्शन डी दिया हुआ है सोडियम ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जिंक ऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वैसलीन में जीवाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है फ्रेंड्स हमारा, ये हमारा यूज होता है जिंक ऑक्साइड का। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, वैसलीन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो जीवाणुनाशक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है हमारा, ये हमारा प्रयुक्त होता है जिंक ऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि पिक्रिक अम्ल का निम्न में से क्या कहते हैं, क्या दिया फ्रेंड्स, पिक्रिक अम्ल को होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पिक्रिक अम्ल को निम्न में से क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है टीएनटी कहते हैं, ऑप्शन बी दिया हुआ टीएनपी कहते हैं, ऑप्शन सी दिया हुआ है टीएनजी कहते हैं, और ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी टीएनपी कहते हैं, क्या कहते हैं टीएनपी। तो फ्रेंड्स पिक्रिक अम्ल को निम्न से हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पिक्रिक अम्ल को हम क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल को हम कहते हैं टीएनपी कहते हैं, यानी ट्राई नाइट्रोफिनॉल। फ्रेंड्स पूरा नाम इसका जान लीजिए फ्रेंड्स, ये आपसे पूछ सकता है टीएनपी का पूरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स टीएनपी का पूरा नाम है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूं, ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है फ्रेंड्स हमारा, क्या होता है फिनॉल। तो फ्रेंड्स ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, इसका पूरा नाम बहुत जरूरी है याद करना, ट्राई नाइट्रोफिनॉल ये इसका पूरा नाम होता है टीएनपी का। तो फ्रेंड्स ये भी आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि टीएनपी का पूरा नाम क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको टीएनजी बताया हुआ है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बताया हुआ था उस दिन आपको, लेकिन फ्रेंड्स टीएनपी मैंने नहीं बताया था, टीएनपी दिया भी नहीं हुआ था कहीं पे, यहाँ पे तो हमारा ऑप्शन में दिया है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टीएनपी का पूरा नाम क्या है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पिक्रिक अम्ल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन से हमारे दो क्वेश्चन बन जाते हैं, एक तो यहाँ पे पूछा है कि पिक्रिक अम्ल का निम्न से नाम क्या है, तो नाम हमारा टीएनपी है, और टीएनपी का पूरा नाम क्या है, तो टीएनपी का पूरा नाम है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो फ्रेंड्स ये भी आपको पता होना चाहिए कि ट्राई नाइट्रोफिनॉल इसका पूरा नाम है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से हमारे दो क्वेश्चन बन गए हैं, और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि नायलॉन क्या है, क्या पूछा हमसे, नायलॉन क्या है। तो ऑप्शन ए दिया पॉलिएस्टर है, ऑप्शन बी दिया वाइनिल बहुलक, ऑप्शन सी दिया पॉलीएमाइड, और ऑप्शन डी दिया है कृत्रिम रबर।
तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पॉलीएमाइड होता है। नायलॉन क्या होता है हमारा फ्रेंड्स, नायलॉन हमारा होता है पॉलीएमाइड, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि निम्न में से किसे कोल तार से उत्पादित किया जाता है, निम्न में से किसे कोल तार से उत्पादित किया जाता है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए दिया संश्लेषित रंग, ऑप्शन बी दिया दवाइयाँ, ऑप्शन सी दिया हुआ इत्र और ऑप्शन डी दिया हुआ ये सभी। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ये सभी। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारे संश्लेषित रंग होते हैं, दवाइयाँ होती, इत्र होती हैं, इनको हम किससे उत्पादित करते हैं, तो कोल तार से करते हैं। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे, तो अच्छे से इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यानी ये सभी। चलिए फ्रेंड्स इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि सूती रेशों का मर्सरीकरण निम्न में से किसके द्वारा होता है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमसे पूछा है कि सूती रेशों का मर्सरीकरण निम्न में से किसके द्वारा होता है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए दिया हुआ है NaOH, ऑप्शन बी दिया हुआ है KOH, ऑप्शन सी दिया हुआ CaOH का होल ट्वाइस और ऑप्शन डी दिया हुआ CaOCl2। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा NaOH। सूती रेशों का मर्सरीकरण किससे होता है फ्रेंड्स, तो सूती रेशों का मर्सरीकरण हमारा होता है NaOH के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि मोमबत्ती में होता है, क्या पूछा फ्रेंड्स हमसे, मोमबत्ती में होता है, तो ऑप्शन ए दिया है मधुमक्खी का मोम तथा पैराफिन मोम, ऑप्शन बी दिया है मधुमक्खी का मोम तथा स्टियरिक अम्ल, ऑप्शन सी दिया है पैराफिन मोम तथा स्टियरिक अम्ल और ऑप्शन डी दिया है उच्च वशीय अम्ल। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पैराफिन मोम तथा स्टियरिक अम्ल। तो फ्रेंड्स मोमबत्ती में पूछा है, तो फ्रेंड मोमबत्ती पूछा है, मोम तो आपका होगा ही, ये तो आप जान के रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, मोम तो आपका होने ही वाला है, तो फ्रेंड जो उच्च वशीय अम्ल दिया हुआ ये तो हो नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पैराफिन मोम तथा स्टियरिक अम्ल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पौधों को कीटाणुओं और रोगों से बचाता है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर वन में जब मैंने आपको पढ़ाया था पहले ही आ चुका है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूं आपने इसको याद भी कर लिया होगा। तो पौधों को कीटाणुओं और रोगों से कौन बचाता है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी DDT। जो DDT होता है वो पौधों को कीटाणुओं और रोगों से बचाता है, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और रही बात फ्रेंड्स आपको DDT का पूरा नाम भी याद होना चाहिए, तो फ्रेंड्स मैंने आपको इस चैप्टर में जब मैंने स्टार्ट किया था ये चैप्टर, तुरंत मैंने आपको बताया था कि DDT का पूरा नाम क्या है, और इससे पहले जब मैंने केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट की थी वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि DDT का पूरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स DDT का पूरा नाम क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। क्या होता है फ्रेंड्स, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये DDT का पूरा नाम होता है। और फ्रेंड्स ये पौधों को कीटाणुओं और रोगों से बचाता है, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन अब हमारे फिनिश हो चुके हैं, 53 क्वेश्चन से मैंने पूरे सॉल्व करवा दिए हैं। अब फ्रेंड्स चलिए इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इससे भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यानी महत्वपूर्ण तथ्य से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं सबसे पहला पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि साबुन कठोर जल के साथ समुचित झाग नहीं देते। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कहा है कि साबुन कठोर जल के साथ समुचित झाग नहीं देते हैं, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपसे पूछ सकता है कि साबुन कौन से जल के साथ समुचित झाग नहीं देता है, या कौन से जल के साथ झाग नहीं देता है, तो फ्रेंड्स कठोर जल के साथ, तो साबुन कठोर जल के साथ समुचित झाग नहीं देते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है टेफ्लॉन सबसे अच्छी प्लास्टिक है, क्या फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि टेफ्लॉन सबसे अच्छी प्लास्टिक है, इसका प्रयोग बिना चिपकने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है। तो फ्रेंड्स इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अच्छी प्लास्टिक कौन सी होती है, तो आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, यहाँ पर टेफ्लॉन भी रहेगा। तो फ्रेंड्स टेफ्लॉन हमारी सबसे अच्छी प्लास्टिक होती है, और ये भी आपसे पूछ सकता है कि टेफ्लॉन जो प्लास्टिक होती है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो फ्रेंड्स इसका प्रयोग बिना चिपकने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि टेफ्लॉन में F परमाणु उपस्थित होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि टेफ्लॉन में कौन सा परमाणु उपस्थित होता है, तो F परमाणु उपस्थित होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि क्लोरोक्विन का प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन में ही कवर अप हो चुका है, क्वेश्चन में आया था कि मलेरिया के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये हमारा होता है क्लोरोक्विन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि रेशे में प्रबल अंतराणविक बल जैसे हाइड्रोजन बंधता उपस्थित होता है,
ठीक है फ्रेंड्स, रेशे में प्रबल अंतराणविक बल जैसे हाइड्रोजन बंधता उपस्थित होता है, तो फ्रेंड्स ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया कि सफाई हेतु साबुन की अपेक्षा अपमार्जक अधिक प्रभावी होते हैं, तो फ्रेंड्स इससे भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे, आपसे पूछ लिया जाए कि सफाई हेतु साबुन की अपेक्षा कौन सा पदार्थ अधिक प्रभावी होता है, तो फ्रेंड्स ये हमारे अपमार्जक होते हैं, तो फ्रेंड्स ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया फ्रेंड्स, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछा भी जा सकता है। यहाँ पे लिखा कि मानव द्वारा संश्लेषित किया गया प्रथम रेशा नायलॉन है, तो फ्रेंड्स तुरंत क्वेश्चन हमारा बनता है आपसे अगर पूछ लिया जाए कि मानव द्वारा संश्लेषित किया गया प्रथम रेशा क्या है और आपको चार ऑप्शन दिए जाए, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, नायलॉन होगा। मानव द्वारा संश्लेषित किया गया प्रथम रेशा हमारा क्या होता है, नायलॉन होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि प्राकृतिक रेशम एक पॉलीएमाइड बहुलक है, तो फ्रेंड्स इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक रेशम है और आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो फ्रेंड्स जो हमारा पॉलीएमाइड वाला ऑप्शन होगा ये हमारा करेक्ट होगा, यानी प्राकृतिक रेशम एक पॉलीएमाइड बहुलक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया कि सूती तथा ऊनी रेशे को जलाकर उनमें अंतर ज्ञात किया जा सकता है, तो फ्रेंड्स ये मैंने क्वेश्चन में ही कवर अप करवा दिया है, क्वेश्चन आया हुआ था सूती तथा ऊनी रेशों को जलाकर उसमें अंतर ज्ञात किया जा सकता है। फ्रेंड्स सबसे लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट दिया है कि सूती रेशों का मर्सरीकरण तनु NaOH द्वारा किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको अभी ऊपर ही सॉल्व करवाया है, तो फ्रेंड्स ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि सूती रेशों का मर्सरीकरण तनु NaOH द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बहुत ही जरूरी है, इससे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपका चैप्टर औद्योगिक रसायन यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कम्प्लीटली फिनिश करवा दिया है। फ्रेंड्स इस चैप्टर में हमारे 53 क्वेश्चन दिए हुए थे, तो मैंने सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दिया है और साथ ही साथ मैंने आपको महत्वपूर्ण तथ्य भी बता दिए हुए हैं, तो फ्रेंड्स इससे बाहर क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप इस चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे और इसका रिवीजन भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.